हेलो दोस्तों, कैसे हो तो दोस्तों, आज का इस हाय। वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले आईपीएल के नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों, ये मैच 7:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। चेन्नई की 3 नंबर पे चल रही है चेन्नई, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो अच्छा कर रही है, बट स्टिल उनको ये मैच जीतना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन चल रहा है। गुजरात के लिए चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, बट अगर वो बचे हुए अपने मैचेस जीतते, 14 पॉइंट्स तक अगर पहुंचते तो शायद से क्वालिफाई हो सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मजेदार मैच होगा। चेन्नई सुपर किंग्स में बहुत सारी चेंजेस है, उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रिटर्न जा चुके हैं इंजरी की वजह से या फिर नेशनल ड्यूटी की वजह से। तो अब कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, इंटरेस्टिंग, देखने लायक बनेगा, और जो भी खेलेगा वो हमारे लिए डेफिनेटली डिफरेंशियल पिक होगा। तो वीडियो पे बने रहो, सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप लोग पिछले कुछ मैचेस के रिजल्ट आके देखोगे, पिछला पूरा हफ्ता देखोगे, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर मैच में क्लीन स्वीप किया है, अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बने रहो वीडियो पे, सारे प्रेडिक्शंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी फाइनल अपडेट्स के लिए, फाइनल टीम्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे आओ, बिकॉज वहीं पे आपको फाइनल अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बढ़ते आगे, बात करते हैं हम लोग अभी पिच रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो अहमदाबाद में 5 मैचेस हुए इस साल, 4 मैच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 168 के आसपास स्कोर हुआ, यहाँ पे 162 के आसपास स्कोर हुआ, या फिर 199 बनाए जो चेस हुआ, फिर जीटी ने 89 बनाए वो भी चेस हुआ, ठीक है, फिर जीटी ने 200 बनाए वो भी चेस हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस देखने को मिली है। सेकंड इनिंग में चेस इजिली हुआ है, ठीक है, वैसा ही कुछ आपको इस मैच में भी देखने को मिल जाएगा। अच्छी बैटिंग विकेट होगी, जो टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेगी। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग गुजरात टाइटंस की, ठीक है। कुछ इस तरीके से 12 प्लेयर्स रहे थे पिछले मैच में, थोड़ा टीम स्ट्रगल कर रही है। विजय शंकर वॉज देयर इंपैक्ट प्लेयर इन लास्ट मैच। बॉलिंग में भी अगर देखोगे तो पिछले मैच में उन्होंने जोशुआ लिटल को खिलाया था, जिन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी, बट मोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे, राशिद खान स्ट्रगल कर रहे। मोस्ट लाइकली राशिद खान इस मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि ड्यू टू ऑफ इंजरी, तो लेट्स से उनको कौन रिप्लेस करेगा। और रही बैटिंग में, तो मुझे लगता है यही खेलेंगे, बट शुभमन गिल, रिद्धिमान सागर, कुछ मैचेस अच्छे गए नहीं है, तो दैट्स वाई टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। एक्सपेक्टेड कि इस मैच में शुभमन गिल का अच्छा मैच जाए, देखते क्या होता है, ठीक है। देखते परफॉर्मेंस किस तरीके से इस टीम ने अब तक किया हुआ है। दोनों टीमों के बीच में भी मैच हुआ था, जो सेकंड मैच था दोनों टीमों का, ठीक है। तो हाइलाइटेड स्कोर अगर आपको दिख रहे हैं तो दोनों टीमों के बीच में जो मैच हुआ था उस मैच के आपको स्कोर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि शुभमन गिल ने लास्ट टाइम चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 8 रन बनाए थे, ठीक है, 5 बॉल में। अगर पिछले कुछ मैचेस देखोगे शुभमन के, 8 रन, 35 रन, 6 रन, 16 रन, 2 रन, तो पिछले टोटल 5 मैचेस कंप्लीट फ्लॉप रहे। तो ऑब्वियसली शुभमन गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही मैच होगा। सेम फॉर रिद्धिमान साह, रन नहीं बने हैं इस मैच को छोड़ दो तो, रन रिद्धिमान साह के भी नहीं बने हैं। 21 बनाए थे सीएसके के सामने। साई सुदर्शन ने 37 बनाए थे सीएसके के सामने। इन्होंने अच्छा किया, अगर देखो 65 84, पिछले मैच में जरूर जल्दी आउट हुए थे बट पिछले 3-4 मैचेस में इनके रन बने हैं, तो ये अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। डेविड मिलर 21 बनाए थे लास्ट टाइम सीएसके के सामने। पिछले 3 मैच इनके अच्छे रहे, 55, 26 नॉट आउट और 30, तो इनका फॉर्म अच्छा देखने को मिला है। राहुल टेवाटा ने 6 बनाए थे सीएसके के सामने और 35, 36, तो पिछले कुछ मैचेस इनके भी अच्छे रहे हैं। शाहरुख खान अच्छे फॉर्म में लगे, पिछले 2 मैचेस में 58 और 37 बनाए, नंबर 4 पे इनको प्रमोट भी किया जा रहा है रेगुलरली पिछले दोनों मैचेस में, तो डिफरेंशियल पीक रहेंगे, नोट करके चलिएगा। फिर चलते विजय शंकर पे, तो 12 बनाए थे उन्होंने सीएसके के सामने। पिछले मैच में इंपैक्ट प्लेयर आए थे, 10 रन बनाए थे, ओवरऑल इनका आईपीएल बिल्कुल खराब रहा है। राशिद खान ने 2 विकेट निकाली थी सीएसके के सामने लास्ट टाइम। पिछले कुछ मैचेस इनके खराब रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं रही है, ये थोड़ा नोट करना, और थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे हैं इंजरी की वजह से। मोहित शर्मा ने 1 विकेट निकाला था लास्ट टाइम सीएसके के सामने, बट पिछले कुछ मैचेस देखोगे तो इनके बहुत रन पड़े हैं और ये विकेट लेस रहे हैं, तो नोट करना। बट अहमदाबाद में ही इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट पिक, ठीक है, वो बड़ा ग्राउंड है, जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, और अहमदाबाद में इन्होंने बहुत सारी विकेट्स भी निकाली हुई है, तो इंपॉर्टेंट होंगे। नूर अहमद, इन्होंने बॉलिंग अच्छी करी है, 2 विकेट, फिर यहाँ पे 0 विकेट, फिर 1 विकेट, 2 विकेट, तो पिछले 4 मैचेस में 5 विकेट से, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट पीक है। जोशुआ लिटल, फाइनली इनको खेलने का मौका मिला इस साल, 4 विकेट ले गए अपने पहले ही मैच में, ठीक है, 4 विकेट, अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर है, अहमदाबाद की पिच इनको सूट भी करेगी, तो इनका थोड़ा नोट करिएगा। और मानव सुतार ने साई किशोर को रिप्लेस किया था, 2 ओवर में 26 रन दिए थे, विकेट लेस रहे थे। मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब इन्होंने साई किशोर को ड्रॉप कर दिया, बट ठीक है, मुझे लगता है मोस्ट लाइकली इस मैच में मानव सुतार शायद से नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर आप देखोगे कौन से हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली शुभमन गिल, ठीक है, साई सुदर्शन, ठीक है, डेविड मिलर 3, उसके बाद अगर देखो तो बॉलिंग में राशिद खान अगर खेलते तो राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद, ये जो नूर अहमद को भी मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, बट 1, 2 और ये 3, 5 प्लेयर्स मैं रिकमेंड करूंगा। और थोड़े डिफरेंशियल जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली जोशुआ लिटिल इज द वन जिनके साथ आप लोग जा सकते हो, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 12 प्लेयर्स रहे थे पिछले मैच में। सिमरजीत सिंह वॉज देयर इंपैक्ट प्लेयर, पिछले मैच में इन्होंने पंजाब किंग्स को हराया था धर्मशाला में, ठीक है, तो अच्छा किया था बॉलिंग यूनिट ने, स्पेशली बहुत अच्छा किया था।
सेम बॉलिंग यूनिट खेलना चाहिए क्योंकि मतीशा पतिराना रिटर्न जा चुके हैं इंजरी की वजह से, मुस्तफिजुर रहमान रिटर्न जा चुके हैं, ठीक है, तो दोनों अवेलेबल नहीं है, तो उस लॉजिक से मुझे लगता है सेम टीम खेलेगी। मिचेल सैंटनर को फाइनली खेलने का मौका मिला था, फिर से मुझे लगता है मोस्ट लाइकली मिचेल सैंटनर कंटिन्यू करेंगे और आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अभी किस तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस रहा इन टीमों का, ठीक है, और हाइलाइटेड प्लेयर्स के स्टैट्स आपको देखने को मिल ही रहे हैं अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। तो रहाणे ने लास्ट टाइम गुजरात के सामने 12 बनाए थे, रहाणे के पिछले कुछ स्कोर अच्छे रहे नहीं है, ये थोड़ा नोट करके चलिए, स्ट्रगल कर रहे हैं। गायकवाड़ ने 46 बनाए थे अगेंस्ट गुजरात टाइटंस और पिछले कुछ मैचेस में कंसिस्टेंटली रन है, सेंचुरी है, 98 है, 62 है, पिछले मैच में 32 है, तो बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। डैरिल मिचेल ने 24 नो डाउट बनाए थे अगेंस्ट सीएसके सॉरी गुजरात टाइटंस और एक विकेट भी निकाला था, और पिछले कुछ मैचेस में वन डाउन भी आया है, 52 बनाए थे वन डाउन आके, 30 बनाए थे वन डाउन आके, तो इंपॉर्टेंट पीक फिर से रहेंगे स्पेशली अहमदाबाद में, ठीक है। देन शिवम दुबे 51 की बढ़िया पारी खेली थी अगेंस्ट गुजरात टाइटंस लास्ट मैच में, बट पिछले दो मैचेस देखोगे तो पिछले दोनों मैचेस में डक पे आउट हुए हैं, ठीक है, गोल्डन डक पे पहले बॉल पे आउट हुए हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। मोइन अली कुछ खास नहीं किया, बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, गुजरात के सामने खेले नहीं थे लास्ट टाइम, बॉलिंग भी ज्यादा करी नहीं है, एमएस धोनी को बैटिंग नहीं मिली थी लास्ट टाइम गुजरात के सामने और पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे, बहुत नीचे बैटिंग को आते हैं तो ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। जड्डू ने 7 बनाए थे गुजरात के सामने, 2 ओवर में 15 रन दिए थे लास्ट टाइम, बट पिछला मैच देखोगे तो 43 बनाए थे प्लस 2-3 विकेट निकाली थी, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे स्पेशली एट अहमदाबाद। देन मिचेल सैंटनर को फाइनली खेलने का मौका मिला, 11 बॉल में 11 रन बनाए प्लस 1 विकेट निकाला था। तुषार देशपांडे को गुजरात के सामने लास्ट टाइम 2 विकेट थी, पिछले मैच में भी 2 विकेट थी, उससे पहले 4 विकेट थी, तो अच्छी बॉलिंग करी पिछले दो मैचेस में। शार्दुल ठाकुर लास्ट टाइम गुजरात के सामने खेले नहीं थे बट पिछले 2-3 मैचेस में देखो तो 1-1 विकेट इन्होंने निकाली हुई है। रिचर्ड ग्रेसन 2 मैचेस अब तक खेले 1 ही विकेट है। सिमरजीत सिंह को पिछला मैच खेलने का मौका मिला था, 2 विकेट ये ले गए थे, तो ये थोड़ा नोट करिएगा, थोड़े से डिफरेंशियल प्लेयर्स है, पब्लिक थोड़ा सा इनको इग्नोर करेगी बट आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इन तीनों प्लेयर्स को, ठीक है, पब्लिक थोड़ा इग्नोर करेगी बट ग्रैंड लीग में डेफिनेटली इनको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़, डैरिल मिचेल, शिवम दुबे, ठीक है, ये 3 प्लेयर्स, रविंद्र जडेजा 4th वन, मिचेल सैंटनर 5th वन, एंड देन तुषार देशपांडे और रिचर्ड क्लेसन, दोनों में से कोई आप एक ले सकते हो, दोनों को विलोगे तो भी ठीक होगा। सैंटनर विल बी डिफरेंशियल प्लेयर, सॉलिड डिफरेंशियल प्लेयर फॉर दिस मैच, पब्लिक इग्नोर करेगी बट स्पेशली राइट हैंड बैटर्स के सामने बहुत अच्छा कर सकते हैं, इवन ये लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने भी अच्छा करते हैं, तो सैंटनर विल बी गेम चेंजर फॉर दिस मैच, ठीक है। दोस्तों बनाते हैं स्मॉल लीग टीम, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से 8 प्लेयर्स मैं अपने स्मॉल लीग टीम में ऑलरेडी ले चुका हूँ। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे जिसमें से मुझे लगता है कि राशिद खान के चांसेस कम है इस मैच में खेलने के, अगर ये नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ड्रॉप कर देंगे, बाकी सारे प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अब हमें फाइनल 3 प्लेयर्स को पिक करना है, तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको रिद्धिमान शाह मिल जाते हैं, सेकंड ऑप्शन विल बी एमएस धोनी, बहुत नीचे बैटिंग करते तो कोई सेंस नहीं बनता इनको लेने का, और कोई मुझे यहाँ पे खेलता हुआ दिख नहीं रहा है तो रिद्धिमान शाह ऑब्वियसली हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, ठीक है, अगर बैटिंग सेक्शन में चलो तो मैंने ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और शिवम दुबे को ले लिया है, ठीक है। अब एक ऑप्शन, दो ऑप्शंस अच्छे हैं जिसमें एक है डैरिल मिचेल, ठीक है, एक है डेविड मिलर, ये दो अच्छे ऑप्शन है। अजिंक्य रहाणे ओपन कर रहे तो वेरी गुड डिफरेंशियल प्लेयर फॉर ग्रैंड लीग, इवन स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं इनको लेने का, बट डैरिल मिचेल एंड डेविड मिलर विल बी वेरी गुड पिक। डेविड मिलर नंबर 5 पे आ रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान को ये नंबर 4 पे प्रमोट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है नंबर 4 पे डेविड मिलर आ सकते हैं टू टैकल मिचेल सैंटनर एंड रविंद्र जडेजा, ठीक है, देयर इज अ हाई चांसेस, तो आप दोनों को कंसीडर करो। मैं डैरिल मिचेल के साथ जा रहा हूं इस मैच में, तो मैं डैरिल मिचेल को लेके चलूंगा, बाकी देखते हैं और कौन खेलता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जहां पर मैंने जड्डू को लिया है, सेकंड ऑप्शन शाहरुख खान, ठीक है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ज्यादा आपको, ग्रैंड लीग में डेफिनेटली रोटेट कर सकते हो। सैंटनर मैंने जैसे ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये डिफरेंशियल पे इस मैच के, तो इनको डेफिनेटली आप लोग कंसिडर करिएगा, तो मैं वही कर रहा हूं अभी के लिए, मैंने अपने टीम में सैंटनर को पिक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे बॉलिंग सेक्शन में, तो तुषार देशपांडे, राशिद खान मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, फिर उसके बाद आपके पास जोशुआ लिटल है, नूर अहमद है, मोहित शर्मा है, शार्दुल ठाकुर है, सिमरजीत सिंह है, रिचर्ड ग्लेसन है। रिचर्ड ग्लेसन ऑन अहमदाबाद पिच बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, इनके पास वो जीप है, बॉल गिरने का स्पीड में निकलता है, अहमदाबाद की पिच इनको बहुत सूट करेगी, बड़ा ग्राउंड है, तो मैं चाहता हूँ रिचर्ड ग्लेसन को अपनी टीम में लेने का, बट मैं रिचर्ड ग्लेसन और मोहित शर्मा दोनों में बिट कंफ्यूज हूँ, मुझे मोहित शर्मा चाहिए इस पिच पे, मुझे रिचर्ड ग्लेसन भी चाहिए इस पिच पे, बट अगर दोनों को लेना है तो फिर किसे ड्रॉप करूँ, दैट इज द क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है। सैंटनर को ड्रॉप कर सकते हो बट रिस्क वो भी रहेगा, मुझे सैंटनर भी अच्छे लग रही है इस मैच के लिए, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अभी के लिए हम लोग ले लेते हैं रिचर्ड ग्लेसन को अपने टीम में, ठीक है, रिचर्ड ग्लेसन को मैं पिक कर ले रहा हूँ और कुछ इस तरीके से मेरी अपनी टीम बन रही है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बनती है मेरी 11 प्लेयर्स की स्मॉल लीग टीम। अब इसमें ऑब्वियसली मैंने फेवर किया है सीएसके को, 4 ही प्लेयर्स लिए मैंने गुजरात टाइटंस को, तो आप चाहो तुषार देशपांडे को ड्रॉप करके आप मोहित शर्मा को ले सकते हो, आप सैंटनर को ड्रॉप करके मोहित शर्मा ले सकते हो, डेविड मिलर को लेना चाहते हो डेविड मिलर को भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस होगी, बट अभी के लिए अपनी ये टीम बनती है, ठीक है।
अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अगर आप लोग बात करेंगे तो कौन से पिक हम लोग ले सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, तो डेफिनेटली ऋतुराज गायकवाड़ द फर्स्ट ऑप्शन। शुभमन गिल का फॉर्म अच्छा नहीं दिखा पिछले 5 मैचेस में, बट स्टिल इज वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंसिडर करिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन विल बी शिवम दुबे, एंड देन उसके अलावा जड्डू या फिर सैंटनर या फिर किसी बॉलर के साथ जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। मेरे कैप्टन ऑब्वियसली रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, एंड देन मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे ऑब्वियसली शुभमन गिल। तो ये वो मैं दोनों इंडियन ओपनर्स के साथ जाऊंगा एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी आप अपना फाइनल कॉल ले सकते हो, मुझे लगता है डैरल मिचेल, मिचेल सैंटनर, रिचर्ड क्लेसन, तुषार देशपांडे, मोहित शर्मा, ये कुछ ऐसे पिक्स है जिनका डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये मैच अच्छा जा सकता है। तो इन पे मेनली फोकस कर सकते हो, इनको ग्राइंडिंग में रोटेट कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी फाइनल अपडेट्स फाइनल टीम्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।